तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंट लॉ 1997। तो उसमें हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे। सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि सेक्शन 3 में बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल वो किस तरह एस्टेब्लिश होती है। तो आज हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट का। तो एनवायरमेंटल काउंसिल किस तरह बनती है, ये एक ऑफिशियल एक ऑफिशियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है गजेटेड ऑफिस से, फेडरल गवर्नमेंट ये निकालती है। और इससे इट कंसिस्ट ऑफ इसमें जो होते हैं मेंबर्स होते हैं वो एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, उसके बाद जो होता है वाइस चेयरपर्सन के बाद जो अलावा उसके मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उसके फंक्शन आदि एनवायरमेंटल काउंसिल होता है। उसके बाद तो पहला जो चेयरपर्सन से कौन होता है, चेयरपर्सन जो हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर।